पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के गठन की घोषणा कर दी है। अमरिंदर सिंह ने अपने 7 पन्नों के इस्तीफे में गांधी परिवार की आलोचना की और कहा कि उन्हें राज्य की सरकार से हटाने की साजिश रची गई है। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब में कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने साल 1980 में पहली बार पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस का सांसद चुने जाने को लेकर अब तक के सफर और इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियों को विस्तार से बताया। कैप्टन ने लिखा कि साल 2017 विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया और कांग्रेस को 117 में से 77 सीटें मिली, जो 1966 से अब तक की सबसे ज्यादा है। इसके बाद बीजेपी की लहर के बीच 13वें लोकसभा चुनाव में पंजाब में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, पंचायत चुनाव में 2/3 सीटें हासिल की। इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव के दौरान 5 में से 4 में जीत दर्ज की। उन्होंने पत्र में अपने बीते 4.5 साल के काम राज्य का भी उल्लेख किया और कोरोना महामारी के दौरान पंजाब को अच्छे तरीके से बचाने का हवाला भी दिया। इसके अलावा उन्होंने सिद्धू के साथ अपने विवाद को लेकर भी विस्तार से लिखा। वहीं अपने पत्र में हाईकमान की तीखी आलोचना करते हुए कैप्टन ने लिखा कि आपने सोचा कि इतने सालों के बाद मुझे हाशिए पर डाल देंगी, मैं ना तो थका हूँ और ना ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने पंजाब को अभी और बहुत कुछ दे सकता हूँ। मैं सैनिक हूँ और कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सिद्धू को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सिद्धू की इतनी ही उपलब्धि थी कि वो उन्हें और उनकी सरकार की नियमित रूप से अशब्द कहते थे। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस समेत कई अन्य दलों के नेता कैप्टन की फौज का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ दिन पहले ही कैप्टन ने कहा था कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं।